तो सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम दोस्तों। यार थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आज मैं आपको कहाँ के बारे में अपडेट दिखाने वाला हूँ। वैसे गाइज ये वीडियो शायद आपको एक दिन बाद देखने को मिलेगी। वैसे आज मैं आपको बता दूं कि आज 21 तारीख है और आप मेरे पीछे देख सकते हो अभी मैं हूँ सोनपुर जंक्शन पर। और गाइज अभी करीब रात के 11:30 बज रहे हैं और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में। वैसे तो आपको पता ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी है। तो यार काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी कि मैं उस दिन वहाँ पर मौजूद रहूँ। वैसे तो आपको पता ही काफ़ी ज़्यादा कड़ी व्यवस्था है, लोगों का एंट्री भी वहाँ बंद कर दिया गया है। बट गाइज मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं उस दिन वहाँ पर मौजूद रहूँ। वैसे देखता हूँ मैं कल वहाँ पहुँचने के बाद दूर से भी मैं वहाँ देख पाता हूँ कि नहीं मंदिर को, यही मेरे लिए काफ़ी बड़ी सौभाग्य की बात होगी। वैसे तो गाइज आप सभी जानते हैं और हमने बचपन में रामायण में भी देख रखा है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा था। और गाइज इस कलयुग की अगर मैं बात करूं तो प्रभु श्री राम को अपने घर लौटने के लिए 500 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा था। और गाइज हमारी पीढ़ी सच में काफी ज्यादा खुशकिस्मत है क्योंकि पता नहीं कितने सारी कुर्बानियां लोगों ने दी इस राम मंदिर को बनाने के लिए। और कई सारी पीढ़ियों ने एक सपना भी देख रखा था कि कब भगवान श्री राम का जो एक भव्य मंदिर है उसे बनता हुआ देखें और कब हमारे रामलला एक छोटे से टेंट से बाहर निकलकर एक बड़े महल और एक भव्य मंदिर में विराजमान हो। तो गाइज आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। सच में यार अंदर से मेरी एक जो फीलिंग है ना वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप देख सकते हो इतने ठंड में इसी वजह से मैं अयोध्या जा रहा हूँ। वैसे पता नहीं है मुझे कि दर्शन मैं कर पाऊँगा भी या नहीं, मंदिर के आसपास भी जा पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट रखी गई है, बिना पास के किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अगर वहाँ पहुँचूँ तो आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचाऊँ। और ज़्यादातर मैं आपको कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स के थ्रू ही वीडियो दिखा पाऊँ अगर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो। बाकी आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर भर दीजिएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी की डिटेल मैं आपको वहाँ चलकर दिखाऊंगा। बाकी तो प्रभु श्री राम की मर्जी है, अगर उनका बुलावा होगा तो जरूर मैं उनके दर तक पहुँच पाऊँगा। फिर अगर मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताऊँ तो आपको जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जो मेरा ये चैनल को बनाने का जो मेन मोटिव था वो आप तो देख ही रहो। फिलहाल अभी मैं आपको बिहार के बारे में, पटना के बारे में अपडेट दिखाता रहता हूँ। बट जो मेरा मेन मोटिव था इस चैनल को बनाने का वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड, मैं चाहता था कि वीडियो बनाऊँगा। ट्रैवल करना मेरा ये एक तरह से पैशन था कि मैं ट्रैवलिंग करूँ, और फूड ब्लॉग का भी एक शौक था। तो इन दोनों चीज़ को लेकर मैं सोचा था कि इस चैनल पर बनाऊँगा। बट आप लोगों का प्यारा सपोर्ट मिला, मैंने पटना का कुछ अपडेट दिया था तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया और चैनल को मोनेटाइज भी आप लोगों ने किया था। आई थिंक 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया था। तो आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिला। हाँ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं ये मैं मानता हूँ, बट हाँ आप लोग कंटिन्यू देख रहे हो, कंटिन्यू मेरे से जुड़े हुए हो, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और इसी वजह से मैं इसे कंटिन्यू कर रहा था और आगे भी करता रहूँगा। और रहा बात ट्रैवलिंग का, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँ जिसमें मैं आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड उस पर वीडियो डालूँगा। आगे आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा उसके बारे में भी। फिलहाल आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा और इस चैनल पर यार कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करवाने में हेल्प कीजिए ताकि मैं आप लोगों से लाइव भी जुड़ सकूं और लाइव बातें भी कर सकूं आप लोगों के साथ। बाकी तो अपडेट आपको दिखती रहेगी, मिलती रहेगी। बहुत सारी जगह को कवर करना है बिहार में, ना सिर्फ पटना में बल्कि बिहार के बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि भाई आप इस जगह पे आइए, आप यहाँ का अपडेट दिखाइए। वैसे अब तो मैं कहीं कहीं जाना शुरू भी कर चुका हूँ, कई सारे अपडेट मैं आपको पटना के बाहर का भी दिखाता रहा हूँ। बट हाँ आने वाले कुछ टाइम में आपको पटना के बाहर का भी, बिहार के और भी जिले का, बिहार के और भी कई शहरों के बारे में भी आपको अपडेट मैं जल्द से जल्द दिखाऊंगा। तो बस यार इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई कोई चार्जेस वगैरह पे नहीं करने पड़ते हैं, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ताकि मैं आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूं। और यार एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इंस्टाग्राम पे भी मुझे हो सके तो फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो ड्रोन शॉट वगैरह देखने को मिलती है वहाँ मैं थोड़ा अलग चेंज करना चाह रहा हूँ, थोड़ा ड्रोन शॉट आपको ज़्यादा वहाँ पर रील्स वगैरह में देखने को मिलेगी। तो हो सके तो यार इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, आपको नीचे आईडी शो कर रही होगी इस जगह पे, तो आप लोग देख लीजिएगा, जरूर वहाँ पे जाइएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अभी मैंने स्टेडियम का जो अपडेट दिया था, मोइनुल हक स्टेडियम का, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी सारे लोग उसको अभी तक लाइक कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग व्यूज़ भी आ रहा है। तो यार बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो देखते हैं आप अयोध्या पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद क्या सीन है वहां का, कैसा भव्य मंदिर है, क्योंकि वो तो एक अलग ही लेवल का है बात भाई, उसको तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। वहां जाता हूं, देखता हूं क्या फीलिंग होती है वहां पर जाने के बाद, वो सब कुछ आज आप इस वीडियो में देखिएगा।
तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मिलता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही यार, बाकी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा अगर आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे 22 तारीख को, वैसे वीडियो भी ये 22 तारीख को ही आ रही होगी। तो चलिए फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज यार अभी हम लोग सोनपुर से निकल चुके हैं और अभी करीब रात के 12:30 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ सोनपुर से निकल चुके हैं। चलिए फिर अब मैं जा रहा हूँ सोने और मिलता हूँ आपसे कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।